दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टू प्लानर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड दैट कैन बी एडेड टू जीरो रिजल्टेंट। अब यहाँ पर कोप्लैनर वेक्टर क्या है? कोप्लैनर यानी क्या? तो कोप्लैनर यानी सेम प्लेन हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और इनका मैग्नीट्यूड कैसा है तो अलग है, तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आना चाहिए। तो मान लेते हैं वेक्टर एक यहाँ पर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है और तीसरा वेक्टर यहाँ पर है। इसको बोल देते हैं वेक्टर एफ वन, इसको बोल देते हैं वेक्टर एफ टू और इसको बोल देते हैं वेक्टर एफ थ्री। तो यहाँ पर वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू क्या होना चाहिए? वेक्टर एफ थ्री होना चाहिए, तभी जाके ये जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम हमको तीन तो वेक्टर लगेंगे ताकि ये जीरो हो जाए। तो बी सेक्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।